उसी स्टेट मेंटल स्टेट में जाना पड़ा जहाँ हमें डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, एडमिशन, फालतू के पैसे, सच बता रहा हूँ साकेत इज नॉट अ गुड प्लेस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द जेमिनी आर्चर। आप लोगों का सबका स्वागत है। आज हम साकेत हॉस्पिटल में हैं और मैं आपको सारे अपडेट दूंगा। ये देखो, ये सेक्शन है जो नया बना है, साकेत की नई बिल्डिंग है। नीचे डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियंस आपको यहीं मिल जाएंगे और हम जा रहे हैं ऊपर सेकेंड फ्लोर में जहाँ NICU है और वहीं पे इरा को भी एडमिट कर रखा है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये स्टेयर्स जैसे हैं, आई थिंक पेशेंट्स के लिए लिफ्ट लेना सही नहीं लगा मुझे। तो दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर एंड देन फॉलोड बाय द सेकंड फ्लोर। Here we are. This is the NICU section. यहाँ पर अंदर इरा एडमिट है और हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। एक फीडिंग एरिया है जहाँ पे हमें अलाउड है, पेरेंट्स को अलाउड है, स्पेशली मदर को अलाउड है। फादर को भी ये लोग इतना अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए मुझे ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम लग रही थी कि यहाँ कुछ भी चीज़ आपको ट्रांसपेरेंट नहीं है। जबकि जब महात्मा गांधी में था तो वहाँ पर मुझे चीज़ें ट्रांसपेरेंट लगी। और बाहर ही एक परिवार को, उनको लड़का हुआ है, ये दोनों सब लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। मैंने छोटा सा एक क्लिप बना लिया इनकी खुशियाँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बाहुबली, बाहुबलियों की फौज लगा दी है माताओं ने। दोनों के हो गया। शानदार पार्टी है। जिन लोगों को पता नहीं है, NICU से निकल के अगर आपको दूसरी बिल्डिंग में जाना है तो यहाँ रास्ता है। हम पूरे शाम से ऐसे मेन गेट से या फिर नीचे से जा रहे थे। ये रास्ता है जो डायरेक्टली पहुँच जाता है वहाँ पे। ये मैं बस इन्फॉर्मेशन देने के लिए कर रहा हूँ कि साकेत की दोनों बिल्डिंग्स कहीं ना कहीं मीट हो रही है, तो आपको हेल्प हो जाएगी, आप हमारी तरह ढूंढते नहीं रहोगे। आई थिंक ये वेटिंग रूम है, अटेंडेंट रूम है, अटेंडेंट रेस्ट एरिया, नॉन एसी, एसी ऑन है तो कृपया दरवाज़ा बंद रखें, और दरवाज़ा खुला है मतलब एसी ऑफ है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे फिर से। हे गाइस, मैं साकेत हॉस्पिटल के सामने से बोल रहा हूँ और ये इंसिडेंट स्टार्ट हुआ हमारे दो दिन पहले, एक्चुअली 26 फरवरी, जब हमारी इरा एक महीने की हुई। और ऐसा हुआ कि हमको उसे लेके आना पड़ा टू द साकेत हॉस्पिटल एट अराउंड 11:30। तो हम आ गए थे अराउंड 11:30 हम पहुँचे थे, और उसके बाद एडमिट करना पड़ा क्योंकि इरा की जो राइट साइड का जो झुकाव है, व्हाट शी डज इज शी टर्न्स टू हर राइट, इस तरह से टर्न मार के, और शी स्टार्ट्स क्राइंग, और उसका जॉ भी नीचे का थोड़ा इस तरफ खिंचता है। वी कुडंट अंडरस्टैंड, तो हमने एक वीडियो भी बनाई है। वी विल नॉट बी शेयरिंग दैट वीडियो विथ यू गाइज, बट देन इट डजेंट लुक गुड, बहुत बेकार लग रहा है वो वीडियो, मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है इसको देख करके। बट ऐसा है कि क्या बताऊँ, मतलब बहुत अजीब लगता है जब ऐसा कुछ होता है ना आपके बच्चे के साथ, जो एक महीने की है और आपको उसको हॉस्पिटल लेके आना पड़ा किसी इमरजेंसी से। हमने उसके पीछे कितना मेहनत किया है कि वो खाना पीना, मतलब उसके डाइट पे हमने इतनी मेहनत करी, उसका वज़न बढ़ाया, वो 2 किलो क्लोज टू 2.2 किलो की हो गई है। और उसके बाद ये चीज़ हमें नोटिस हुई है। पहले भी एक बार हुआ था जब हमें लगा कि नहीं शायद मसल पुल हो, बट डॉक्टर्स ने इस बार बोला कि आप एडमिट कराओ और हम उसके ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद आज 27th है, इट्स अ थर्सडे टुडे एंड वी आर वेटिंग। जहाँ तक के है, हमारी डॉक्टर संजय से बात हो रही है जो
जो यहाँ बच्चे को दिखाते हैं पीडियाट्रिशियन है, और उन्होंने बोला है कि हमने 3 टेस्ट कराए हैं, एक स्कैन कराया है, ईईजी कराया है, और न्यूबॉर्न जो स्क्रीनिंग होती है वो भी कराया है। तो वो कराने के बाद हम टेस्ट का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। वैसे तो न्यूबॉर्न जो टेस्टिंग स्क्रीनिंग होती है वो होता है 2-3 दिन बाद आएगा रिज़ल्ट, और बाकी जो स्कैनिंग है और ईईजी हुई है तो उनके रिजल्ट्स और वो सब के बाद हमें पता चलेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। जहाँ तक के है हमें शायद किसी स्पेशलिस्ट के पास भी जाना पड़े कि क्या हुआ है और किस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है बच्चे के, क्योंकि यहाँ हमें क्लियर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मैं आपको बता देता हूँ, जिन डॉक्टर जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, जो करेक्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो है अनुज यादव, डॉक्टर अनुज यादव, एंड उन्होंने ही देखा है, थोड़ा बहुत जितना भी देखा है उन्होंने 1 and 1.5 days और 2 days का। तो मैं आपको साकेत में जैसा भी मुझे लगा नहीं कि यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हुई है, आई एम नॉट दैट सैटिस्फाइड। चीज़ें थोड़ी सी अब्रप्टेड थी, थोड़ा अनक्लियर था, नॉट सो ट्रांसपेरेंट आई वुड से, तो वो चीज़ है। मुझे जैसा भी है, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव ट्रस्ट ऑन साकेत एंड ऑल, बट देन मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत क्लैरिटी है। तो हमें एक स्पेशलिटी चेक और कराना पड़ेगा किसी स्पेशलिस्ट के पास से, और वो कराने के बाद ही हम इसके आगे और आपको डिटेल्स दे पाएंगे। इसकी जो कुछ भी बाकी की जो भी प्रोसीजर्स हुए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ये वीडियो मैं एज आई ऑलवेज सेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बना रहा हूँ, जैसे कि कल को अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो या फिर आपके आसपास में भी कुछ हो तो प्लीज़ इसको सीरियसली लें, और इससे अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और किसी की अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो दैट इज़ माय मोटो एंड दैट्स इट। अभी तो कुछ कह नहीं सकता 100% क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता। अभी हमें यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा और उसके बाद फिर स्पेशलिस्ट से भी मिलना है हमें, और स्पेशलिस्ट से मिलके हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट इशू प्रॉब्लम है क्या, और उस हिसाब से हम उसकी ट्रीटमेंट भी करेंगे। बुरा बहुत लग रहा है, लेकिन आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन एंड क्योरेबल विद मेडिसिन एंड स्टफ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड जय हिंद। हमने जितनी भी मेहनत करी थी, जो कुछ भी करा था हमारे हीरा के लिए, हमें वापस उसी स्टेट, मेंटल स्टेट में जाना पड़ा जहाँ हमें डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, एडमिशन, फालतू के पैसे। सच बता रहा हूँ, साकेत इज़ नॉट अ गुड प्लेस। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हम वापस वहाँ से गए, साकेत में हमने 2 दिन बिताए और उन लोगों को कुछ पता नहीं चला। उनको लगा कि शायद कोई और ऐसा इंसान हो जो स्पेशलिस्ट हो और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताए। स्पेशलिस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं पे 4,000-5,000 रुपए बेड के लिए बच्चे के चार्ज करते हो, और उसके बाद फिर दवाइयाँ और पता नहीं क्या क्या हर चीज़ के लिए मंगाते रहते हो, कुछ ना कुछ आपको चाहिए ही होता है पूरे टाइम। आपने जो भी खर्चा कराया यार, 25,000 के खर्चे में हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं मिल पाया। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ईरा को परेशान किया, हमें परेशान किया, लोगों को हरास किया, और उसके बाद अब क्या, हमें जाना पड़ा एक जो कहते हैं स्पेशलिस्ट है। तो स्पेशलिस्ट के पास हम गए, डॉक्टर राकेश है उनका नाम, और उन्होंने जब सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने बताया कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि साकेत में उन लोगों को डाउट हो रहा था कि भाई न्यूरोलॉजिस्ट जो है और जिन लोगों ने देखा है इस रिपोर्ट को, उन लोगों को ये डाउट हो रहा था तो कि शायद उसके ईईजी के टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ईईजी का टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं पता चल रहा है उन लोगों को। यार आप लोगों को पता क्यों नहीं चलता है? आप इतना पैसा खर्च करवाते हो, इतने टेस्ट करवाते हो, इतने लोग आते हैं आपके पास, आप बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हो, 25,000-25,000 रुपए का बिल बनाते हो एक दिन का, 12,000-15,000 रुपए का खर्चा करवा के, आपके पास एक स्पेशलिस्ट नहीं है या फिर जो भी उस रिपोर्ट को देख रहा है वो कुछ गलत ही बता रहा है या आपको डरा रहा है, सिर्फ डराने के दम पे या डरा के लोगों को, आपके बच्चे को या आपके परिवार में किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो और आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हो ना, प्लीज डरो मत। जितना आप डरोगे, जितना आप कंसर्न दिखाओगे ना लोगों को कि हाँ भाई हम डरे हुए हैं, हमारे को प्रॉब्लम है, हमें ये सॉल्व करना है और हमारे पास पैसे हैं, हम दे सकते हैं,
ये चीज करोगे ना तो आपको कोई भी लूटेगा इस दुनिया में, कोई भी लूटेगा। तो दिमाग लगाओ, थोड़ा आराम से दिमाग से खेलो, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप कभी भी डिस्चार्ज करा सकते हो, वो लोग ज्यादा से ज्यादा चेहरा बनाएंगे और बोलेंगे आप लोगों के रिस्क पे है। अगर रिस्क पे है तो रिस्क पे है, लेकिन सही जगह लेके जाओ। इस चीज का ज्ञान होना आपका जरूरी है। आप अपने शहर में जगह जगह पता करवाओ भाई कि इस बीमारी के लिए क्या है। कोई घर पे आपके बीमार है तो उस हिसाब से आप पकड़वा के कि हाँ भाई ये डॉक्टर कहाँ मिलेगा, ये डॉक्टर कहाँ मिलेगा, कहाँ स्पेशलिस्ट है। सच बता रहा हूँ, सीधे स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ यार। स्पेशलिस्ट जो करवाएगा ना, शायद आपको रिपोर्टिंग के लिए कहीं और जाना पड़े, चार जगह थोड़ा घूमना पड़े, लेकिन इतना पैसा खर्च नहीं करवाएंगे। आप सीधे सीधे रिपोर्ट के लिए जाओगे, रिपोर्ट करवाओगे, स्पेशलिस्ट को दिखाओगे, जो भी उसकी फीस होगी शायद 300 की जगह 500 रुपए ले लेगा, लेकिन आपको डिटेल्स जो है वो तभी के तभी पता चल जाएगी। आप कहीं जाते हो, वो लोग 10 तरह के टेस्ट करवाते हैं, फिर डाउट बोल के आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। हरासमेंट, पैसे खर्च सब करवा देंगे वो आपसे। इसीलिए थोड़ा सोच के खेलो और इंश्योरेंस जरूर रखो अपने पास। हर चीज हेल्थ का इंश्योरेंस लेना तो बहुत ही जरूरी है इस दुनिया में, क्योंकि एक्चुअली में ये नहीं है कि भाई आपके हेल्थ को कोई नुकसान होगा तो आप बच जाओगे या आपका हॉस्पिटलाइजेशन कवर हो जाएगा। हॉस्पिटल्स में इतना बड़ा बिल पकड़ा देते हैं और बिना मतलब के आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं, उस चीज के लिए है ये इंश्योरेंस, कि आपको हॉस्पिटल के खर्चों से और आपको प्रॉब्लम से बचाने के लिए, आपके सेहत के लिए नहीं बन रहा है मुझे जहां तक लग रहा है ये हॉस्पिटल के खर्च। ये इंश्योरेंस वालों का और हॉस्पिटल वालों का जो है वो मिला जुला एक गेम चल रहा है, जहां हॉस्पिटल वाले बिल बिठाएंगे और इंश्योरेंस वाले उस चीज का फायदा उठा के आपको डरा के आपसे इंश्योरेंस का प्रीमियम भरवाते रहेंगे। कुछ हो नहीं हो, जैसा भी है यार, थोड़ा समझदारी दिखाओ। मैं और कुछ डीमोरलाइज नहीं करना चाहता किसी को, आप खुद समझदार हो, आप जो सही लगे वो करो। लेकिन ये है कि हम ईरा को लेके गए, स्पेशलिस्ट से दिखाया, स्पेशलिस्ट का डिटेल भी हमें इन हॉस्पिटल वालों ने ही दिया, डॉक्टर संजय ने ही दिया हमें स्पेशलिस्ट की डिटेल, उससे बात करी, उसके पास रिपोर्ट जाके दिखाई, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको गैस हुआ था। सिर्फ गैस के लिए इन लोगों ने हजारों टेस्ट कर दिए। इन लोगों को पता नहीं, एक पीडियाट्रिशियन जो बच्चे को बैठ के देख रहा है, पहले दिन जब हमने उसको वीडियो दिखाया और सारा कुछ बताया, उसको लगा कि शायद ये फिट्स हो सकते हैं, आप एडमिट करवा दो। और जब दो दिन के बाद जब टेस्ट के रिपोर्ट जब नॉर्मल आने लग गए और इनको लगा कि नहीं हम इनको और होल्ड नहीं कर सकते हैं, तब इनकी बातें बदल गई, तब इनके हाव भाव बदल गए कि भाई ये तो कंक्लूसिव नहीं है, ये ऐसा है ये वैसा है, आप इनसे मिल लो। खुद आंसर भी नहीं देंगे आपको, आपको डरा के ही रखेंगे कि जिससे कि आप इनको कुछ बोल के नहीं चले जाओ, ठीक है, जाके आपको किसी और थर्ड पार्टी से पता चले, उसके बाद आप सोचो कि हाँ ठीक है क्यों ही गए थे हम यहाँ पे, पैसे खर्च हो गए, ये हो गए वो हो गए। तो दिमाग लगाना, ईरा बिल्कुल स्वस्थ है अब, वो बहुत बढ़िया है। हम गए थे, मैं आपको डिटेल्स जो है वो आपको अपलोड कर दूंगा, जो भी पेपर्स हैं, जो भी हमारे रिपोर्ट्स थे, क्या क्या रिपोर्ट निकलवाए हमने, सब कुछ आपको बतवा दूंगा। और आप भी इस चीज का ध्यान रखें कि आप बेफालतू में पैसा खर्च ना करें, दिमाग का इस्तेमाल करें, नॉलेज रखें, और उसी से आपका जो है पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, हेल्थ बढ़िया रहेगी और बाकी लोग भी हरास नहीं होंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ, और थैंक यू भगवान से और थैंक यू आप लोगों से कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, और थैंक यू भगवान से कि ईरा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। गैस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है उसको थोड़ा, जो कि हर बच्चे को होता ही है जब वो इस तरह की डाइट पे रहते हैं या फिर जो भी है, इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होते ही हैं बच्चों को, ऐसा सारे डॉक्टर्स ही बोल रहे हैं जिनसे भी हमने बात करी है, और सब लोग घर पे भी पुराने लोग भी हमारे जो एडल्ट्स हैं या फिर हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी यही बोला है। तो मैं बहुत खुश हूँ और थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। हम आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस, अब खुशी की वीडियोस लेके आएंगे। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम घूमने भी जाएंगे, हम राजस्थान भी घूमेंगे। तो तब तक हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो लाइक कीजिए, और आपका हमारा सबका सेहत बना रहे, हम खुश रहें, बहुत मज़े से जिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच, जय हिंद।